देखिए मेरी एक्स यहाँ पे घूम रही है। देखेगा ना मोबाइल, अंकित मोबाइल ले लेगा। और हम लोग मैप से देखकर जा रहे हैं क्योंकि दीदी साइड प्लीज, दीदी हट जा। ना क्या है, क्या कर गए हैं, इतना थके हुए, प्रेशर ज्यादा था। राजगीर में एक गर्म कुंड नाम का धार्मिक स्थल है जहां पर 24 घंटे गर्म पानी निकलता है और ऐसा माना जाता है कि अगर आप उस गर्म पानी से नहाते हो तो आपके शरीर के कई सारे बीमारियां खत्म हो जाती है। तो चलिए आप लोग को गर्म कुंड ले चलता हूं और उसके बारे में आपको बताता हूं। राजगीर के गर्म कुंड जाने के लिए हम लोग निकले हैं बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियो यहां पर देखने को आपको मिलेगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग वीडियो। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम लोग जा रहे हैं राजगीर, और हमेशा की तरह इस बार भी जो है अचानक जा रहे हैं। शिवम भाई यहाँ पर देख सकते हो, इनका जो है कल गाड़ी खराब हो गया था तो ये बनवाने आए थे बेतिया से मुजफ्फरपुर, क्योंकि इनके पास भी निसान मैग्नाइट है और इनका गाड़ी जो है ये मुजफ्फरपुर से ही लिए हुए हैं। तो ये बनवाने आए थे और अचानक जो बोले कि भाई चलिए राजगीर, तो अचानक राजगीर का प्लान बन गया। पिछली बार भी नेपाल का जो है अचानक ही प्लान बना था। और अभी देख सकते हो पीछे जो है अंकित भाई है और मनी भाई है। मनी भाई को आपने देखा होगा नेपाल वाले ब्लॉग में। और अभी हम लोग है गांधी सेतु पुल गए थे, रात को ही निकले थे सुबह में लगभग 5 बजे के आसपास, पर अंधेरा काफी ज्यादा था इसलिए रिकॉर्ड नहीं किए हैं। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर गांधी सेतु पुल पे है, सोचा हूँ कि थोड़ा लाइट हो तो उसके बाद रिकॉर्ड करूंगा। तो अभी सूरज निकला है तो थोड़ा लाइट हुआ है, तो सोचा हूँ कि अभी से रिकॉर्ड करता हूँ। राजगीर इससे पहले मैं गया नहीं हूँ तो मुझे आइडिया भी नहीं है कि वहाँ पर क्या है, घूमने वाला नहीं है और ज्यादा रिसर्च भी नहीं किया हूँ। राजगीर का बस दो ही तीन चीज जानता हूँ, एक जो है जू है जंगल सफारी, और दूसरा जो है वो ग्लास ब्रिज। वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो मुजफ्फरपुर से निकल कर जो है पटना आए, और पटना से अभी जो है बख्तियारपुर है। और हम लोग मैप से देखकर जा रहे हैं क्योंकि सो गाइस अभी हम लोग पहुंचे हैं बख्तियारपुर और पटना क्रॉस कर गए जैसे कि आपने देखा अभी। और अभी हम लोग जो जा रहे हैं वो मैप के थ्रू जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को पहली बार, शिवम भाई एक बार जा चुके हैं और शायद ये बस से गए थे, किससे गए थे, बस से ये बस से एक बार गए थे। तो बाई रोड हम लोग को उतना आइडिया है नहीं, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं मैप से और रास्ते में पूछ भी ले रहे हैं। मैप पे उतना हम लोग को भरोसा नहीं है, कभी कभी जो है धोखा दे देता है। दीदी साइड प्लीज, दीदी हट जा। So guys, back camera से आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पर ट्रैफिक में रुके हुए आधे घंटे से, और देख सकते हो आगे जो है वो बस वाले पैसेंजर बैठाने के लिए आधा घंटा से रोक कर रखा हुआ, और छोटा सा जगह है इसीलिए यहाँ पे रुके हुए हैं। और सुबह में हम लोग निकले थे 5 बजे और अभी कितना बज रहा है, घड़ी मेरा बंद है, कितना बज रहा है अभी, 10:00, अरे इसमें 10:22 हो रहा है, यहाँ पे देखो समय खराब है इसीलिए घड़ी नहीं चल रहा है। घड़ी तो बंद होता है, आदमी मरता है तो नहीं, समय खराब है इसीलिए। तो अभी बख्तियारपुर में अभी जा रहे हैं धीरे धीरे, ट्रैफिक काफी ज्यादा था। हम लोग जो है अभी राजगीर पहुंचने वाले हैं। राजगीर पहुंचने में जो है सिर्फ 20 किलोमीटर बाकी है, और यहाँ पर देख सकते हो राजगीर आने में हम लोग का पहला पहाड़ यानी कि जो माउंटेन है यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पे सुपर व्यू किया हुआ है तो बहुत दूर दिख रहा होगा, पर यहाँ पर बहुत पास में है और 1 मिनट की दूरी पे 1 मिनट की दूरी पे है, सही में बहुत पास है, यहाँ पर बहुत पास है, मतलब उतना दूर दिख रहा है ना सुपर व्यू में। अगर इसको मैं क्लोज करूँ ना तो देखो कितना कम पे है, ये देखो कितना नजदीक पे है, और ऐसे देख सकते हो। और ये रहे हम, और यहाँ पर देख सकते हो, और ये कोई कार्ड फोर्ड सेल है, सेकेंड हैंड यहाँ पे कार्ड मिलता है, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, वैसे मेरा वीडियो पे ज़्यादा दिखता भी नहीं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं
राजगीर और पहुंचते हैं वहां पर, फिर क्या क्या करते हैं वो हम देखेंगे। तो चाय बताइए ना, स्पॉन्सर मिला आप लोग जा रहे हैं मिलने के लिए? स्पॉन्सर मिलने के लिए? हाँ। क्या चीज का मतलब? हाँ, ये क्या बोलते हैं, टूरिज्म वाला? जंगल सफारी वाला? जंगल सफारी वाले इनवाइट किए हैं हम लोग का, लेकिन खुद से टिकट कटवाना पड़ा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ग्लास ब्रिज, ये सब जितने भी है कोशिश करेंगे कवर करने का। अच्छा एक बात बताइए, राजगीर जो हम लोग अभी जा रहे हैं, तो टिकट कट करने के टाइम तो हम लोग सेलेक्ट किए हैं 2 बजे से 3 बजे, तो 2 बजे से 3 बजे के बीच में एंट्री होगा। हाँ, तो उससे पहले अगर हम लोग पहुँचेंगे तो क्या करेंगे, बाहर ही घूमेंगे? So guys, यहाँ पे देख सकते हो राजगीर द्वार यहाँ पे, और हम लोग अब राजगीर में एंटर कर चुके हैं। वैसे राजगीर जगह का नाम है ना, नालंदा डिस्ट्रिक्ट पता है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए और अभी यहाँ से लगभग हमें लगता है एंटर तो कर गए हैं, लेकिन शायद जहाँ जाना है वहाँ पे हमको लगता है 2-4-5 किलोमीटर होगा। और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी, एक ये भी रास्ता जा रहा है पता नहीं कहाँ पे, तो कभी कंफर्म करना पड़ेगा। ए चाची, चाची, ओ चाची, राजगीर केने बा हो? सूरज कितना दूर जाए? हम थोड़ी दूर है, 10 मिनट पहुँच जाए। ठीक बा चाची, प्रणाम। तो गाइस यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग मैप देख लिए हुए, लेकिन मैप में भी कभी कभी दिक्कत हो जाता है, इसीलिए पूछते जा रहे हैं। और शिवम भाई हैं, मस्त है, मतलब पूछने में चलते हुए ऑटो को रुकवा देते हैं एड्रेस पूछने के लिए और रोक कर एड्रेस बता भी देता है, और उसके बाद प्रणाम आशीर्वाद जरूरी है। चाची प्रणाम, चाची प्रणाम। तो चलते हैं। No mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why pull back the ghoda gari So guys, yahan pe raja hindustani ja raha hai, jisme se ra gayab hai, ja hindustani hai to ja raha hai. Ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss. So guys, अभी हम लोग जो है राजगीर आए गए, और यहाँ पे जो है सबसे पहले ब्रह्मकुंड जाना है। ब्रह्मकुंड के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और अभी सबसे पहले हम लोग सोच रहे हैं कि गाड़ी कहाँ लगाया जाए, और यहाँ पे आसपास में पार्किंग होगा कि नहीं होगा, उतना होगा ही पार्किंग क्योंकि यहाँ पे इतना है ये सब, और पीछे ब्रह्मकुंड का जो है लगा हुआ बता। और ब्रह्मकुंड के बारे में जहाँ तक मैं YouTube पे वीडियो दिखाऊँ, तो यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा जो है मंदिर के अंदर में जो है स्नान करने की जगह है, जिसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक जो है वहाँ पे गर्म पानी हमेशा, मतलब कि 24 घंटा जो उसमें गर्म पानी ही रहता है, ठंड में भी और गर्मी में भी। और अभी जो है गाड़ी को पार्क करने का सोच रहे हैं, कहीं पे गाड़ी पार्क हो जाता है उसके बाद सबसे पहले चलना है ब्रह्मकुंड में, और उसके बाद देखना है। तो पता चल गया आगे पार्किंग है, वहाँ पे पार्क करते हैं गाड़ी को, और उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। प्रोसेस क्या बताएंगे, अकाउंट थोड़ी ओपन कर रहे हैं, मतलब आगे जो घूमेंगे वो बताएंगे। Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to. So guys, यहाँ पे बन गई है, तो उसको बहुत आवाज आ रहा है। So guys, यहाँ पे जो है हम लोग ब्रह्मकुंड जा रहे हैं नहाने के लिए। तो इसके लिए क्या किया हूँ कि जितने भी लोग हैं वो सबको अपना फोन वगैरह इसी में रख लिए हैं, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद पता नहीं कैसा जगह है, मतलब कि मैं इससे पहले गया नहीं हूँ, वीडियो में देखा हूँ, मतलब रखने के लिए कोई सामान जगह है या नहीं है। कितना लिया है पार्किंग का? 50 रुपया। 50 रुपया पार्किंग का लिया है, इसको इसी में छोड़ दीजिए और बाकी सारा सामान छोड़ दीजिए, उसके बाद चलते हैं। तो अभी जाते हैं ब्रह्मकुंड में, वहाँ पे स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद वहाँ से निकलते हैं, उसके बाद जाएंगे राजगीर के अंदर जो एंट्री होता है वहाँ पे, क्योंकि एंट्री का जो टिकट का ने जो हम लोग टाइमिंग सेलेक्ट किए हैं ना, वो सेलेक्ट किए हैं 2 बजे से 3 बजे, और अभी जो टाइम हो रहा है ना वो सिर्फ 9:30 ही हो रहा है सुबह का, तो इसलिए थोड़ा समय लगेगा। तो सब कुछ यहाँ से रख देते हैं और यहाँ से चलते हैं ब्रह्मकुंड। तो गाइज ये जो है ब्रह्मकुंड का द्वार है, और ऊपर लिखा हुआ भी है ब्रह्मकुंड द्वार श्री राजगिरी तपोवन तीर्थ स्थल समिति। और अभी हम लोग जा रहे हैं इसी के अंदर, और यहाँ पर देख सकते हो श्री राजगीर जो मैंने पढ़ा वही लिखा हुआ है। ये है ब्रह्मकुंड का मेन गेट, इसी मेन गेट से आप मंदिर के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, लेकिन मैं यहाँ पे बैठ कर रिकॉर्ड किया, वो भी परमिशन लेके। यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे नल जैसे हैं, जिसमें 24 घंटे गर्म पानी आता है, और इसमें आप जो है नहा सकते हो। यहाँ पर कपड़े चेंज करने के लिए भी अलग अलग जगह बने हुए हैं, जहाँ पर जाकर आप अपने ड्रेस को भी चेंज कर सकते हो।
ये तो रहा बाहरी का द्वार, यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है जहाँ पर आप पूजा कर सकते हो। मेरे बगल में एक छोटा सा गेट है जिसके अंदर एक कुएं जैसा है जिसमें जाकर जो है आप नहा सकते हो। कैसा लगा नहा के? गर्म अरे बहुत बॉडी गर्म है आपका। आधा घंटा लगातार पानी में रहने के बाद प्रेशर बन गया, फिर उसका बॉडी बहुत गर्म है अभी क्योंकि गर्म पानी बहुत ज़्यादा रहता है। तो गाइस ये अभी नहा कर आए हैं गर्म गर्म पानी से। मेरे हाथ पर रखे हुए ये मेरे कंधे पे हाथ रखे हुए पूरा गर्म गर्म मेरा बॉडी हो रहा है। हम नहीं नहाए कुछ रीज़न की वजह से, बताएंगे हम आपको बाद में। कैसा फील लगा नहा कर? ग्रेट एक्सपीरियंस गाइस। ये अभी हॉट आदमी है गाइस, गाइस ये हॉट आदमी है गाइस। काफ़ी ज़्यादा गर्म है। चलो गाड़ी के पास। तो गाइस देख सकते हैं हम चार लोग आए थे, ये अपना बॉडी खींचे पेट अंदर किए हुए, देखे ये पेट अंदर करके रखे हुए। अब थोड़ी और कितना देर तक छोड़ते हैं हम वीडियो चालू रखेंगे। और यहाँ पर देख सकते हो अंकित भाई, और यहाँ पर देख सकते हो मनी भाई, और ये हम चार लोग यहाँ पर आए हैं। तो गाइज यहाँ पे मंदिर है, ये लोग टीका कर रहे हैं, और वहाँ पे कैमरा से रिकॉर्ड करना मना है, इसलिए यहाँ पे कोने में से आकर रिकॉर्ड कर रहे हैं। आइए आइए आइए, ऊपर आपका स्वागत है। और यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे मंदिर है, यहाँ पर भी एक मंदिर, यहाँ पर भी मंदिर, यहाँ पर भी मंदिर। और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं गाड़ी के पास। गाड़ी के पास हम लोग निकले तो कहीं और से, और यही मंदिर है दोस्तों। मंदिर के अंदर एक यही एक तालाब जैसा है जिसके अंदर गर्म पानी रहता है, और इसी के अंदर पहले स्नान किया जाता है, और उसके बाद जितने भी मंदिर है वहाँ पर जाकर आप पूजा कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है सुबह में 4 बजे जो है ये ओपन हो जाता है, और ब्रह्मकुंड निवास है। और इसी ब्रह्मकुंड के बारे में हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हमेशा गर्म पानी रहता है और यहाँ पर जाकर जो है आप नहा सकते हो। और इसके पीछे देखो आप मंदिर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मंदिर है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, बैक कैमरा ओपन ही है, मैं अपना दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो। और इसी के बारे में मैं उस समय बात कर रहा था, और ज़्यादातर लोग जो भी यहाँ पे आते हैं इसी के आते हैं। ब्रह्मकुंड जो इस जगह का नाम है ना, इसी के वजह से पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमेशा जो है गर्म पानी रहता है, और यहाँ पर जाकर जो है आप नहा सकते हो। मैं नहीं नहाया हूँ कुछ रीज़न के वजह से, ये लोग नहाए हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं पार्किंग के पास, कार पार्क कर जहाँ की है वहाँ पे, और वहाँ से जाने के बाद जो है देखेंगे कि उसके बाद हमें कहाँ जाना है। गाइस देखिए मेरी एक्स यहाँ पे घूम रही है। सियो माई कौन है? मोबाइल वोबाइल छीन कर ले जाएगा, देखेगा तो मोबाइल। अंकित मोबाइल ले लेगा। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे बंदर है। अंकित भाई के नहीं बारे में ये नहीं, इनके बारे में नहीं बोले। बहुत सारा बंदर है, आप आ गए। लंगूर है। तो मेरा भी मन था यहाँ पे नहाने का, पर मैं यहाँ पे नहीं नहाया क्योंकि मेरा हेल्थ इशू चल रहा है, और मेरा ब्लड प्रेशर जो है अचानक लो हो जाता है और कभी हाई हो जाता है। तो मैं सोचा कि भाई इतना गर्म प्रेशर पड़ेगा तो शायद मैं बीमार पड़ जाऊँ, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं नहा पाया। गाइस हम लोग निकल गए अभी यहाँ से ब्रह्मकुंड से, और यहाँ पर अभी का प्लान क्या है ये बताइए पहले। पहले तो अभी का मुझे प्लान है कि यहाँ पे वॉशरूम दिख रहा है, हम सुसू करने जाएंगे। अरे उतना दूर है, आइए ना कोई साथ में, अरे कंपनी देने कोई आइए ना। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, यहाँ पे आप किसी भी समय आ सकते हो, किसी भी महीने में आ सकते हो। और यहाँ पे हम लोग जो है आकर काफी अच्छा लगा हम लोग को यहाँ पे, और यहाँ पर आपको मेले की तरह आपको देखने को मिल जाएगा, और चारों तरफ आपको जो है पहाड़ और जंगल भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जो है निकल रहे हैं जंगल सफारी के लिए, जो कि आपको अगले वीडियो में जो है आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे गाड़ी लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे पहले बैठते हैं, और यहाँ से हम लोग पहले निकलते हैं खाने को, क्योंकि बहुत तेज भूख लगा हुआ है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग जो है आ गए, और अभी जो है हम लोग खाना खाने जा रहे हैं गाड़ी में, और पास में ही है वहाँ पे ब्रह्मकुंड के पास में ही है, लेकिन भूख लगा हुआ है। और अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। होटल वाले देखिए कैसे कार को जो है पार्किंग करवाते हैं ताकि ग्राहक मेरे में आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा होटल है, तो बहुत सारा कंपटीशन है खाना खिलाने में भी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने क्योंकि भूख लगा हुआ है, और सुबह के जो है अभी 10:30 हो रहा है, और कुछ भी नहीं खाया हुआ है अभी तक, पानी भी नहीं पिए हुए हैं। गाइस देखिए यहाँ पे मेरा छोला भटूरा आ गया, यहाँ पे चावल, यहाँ पे चावल, यहाँ पे भी छोला भटूरा। शिवम भाई का जा, इनको उपवास था, देखिए 4 प्लेट है इनके लिए नहीं आया।
ये बोले थे उपवास है और ये उपवास तोड़ दिए। सो गाइज यहाँ पे हम लोग जो है ब्रह्मकुंड से नहाकर आ गए, हम लोग नहीं, ये लोग, हम नहीं नहाए। और इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि इस ब्लॉग से आपको ब्रह्मकुंड के बारे में जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे सोशल साइट्स पे आप फॉलो कर लीजिएगा, खासकर इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहाँ पर मैं कंटिन्यू वीडियो को और फोटो को अपलोड करते रहता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ। और इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं आपको जो है बैक कैमरे से कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कितना मस्त जगह है, दोनों साइड जो है जंगल है, इधर भी जंगल उधर भी जंगल और बीच में जो है रोड है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लग रहा है। और आप लोग बताइए आज का दिन मतलब ये कैसा था ब्रह्मकुंड वाला? बवाल थे, देख सकते हो बवाल थे, क्योंकि ये लोग गए थे पानी के अंदर में और जब ये लोग नहा कर आए थे मुझे टच कर रहे थे तो पूरा गर्म गर्म हो जा रहा था। तो अभी इसको यहीं पे ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग आपको इसी के बारे में देखने को मिलेगा राजगीर में ही, अभी फिलहाल हम लोग का उतना आइडिया नहीं है तो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।